जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को लेके जा रहे हैं राम मंदिर में, जो कि है रायपुर में, वीआईपी रोड पे है। मैं भिलाई से रायपुर तक का ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार बना चुका हूँ तो आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं सीधा आप लोग को मिलता हूँ राम मंदिर। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं राम मंदिर, तो ये एंट्री गेट है, चलते हैं यहाँ से अंदर जाते हैं। कुछ लिखा है, उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये एंट्री गेट है, यहाँ पे भी कुछ है, प्रसादम करके लिखा हुआ है। तो अपने को जाके यहाँ पे चूजू उतारना पड़ेगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं आपको रात का व्यू दिखाऊँ, दिन में भी ले आ सकता था, बट रात में जो लाइटिंग होता है और लाइटिंग के बाद इतना जो खूबसूरत दिखता है। तो हम लोग जूता उतो उतार ले, चलते हैं। एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर ये सैनिटाइजिंग करने का लगाए हुए हैं। तो हम आ चुके हैं अंदर। ये देखिए लेफ्ट साइड में कितना खूबसूरत बना है, वहाँ जाके भी दिखाएंगे आप लोग को। उससे पहले चलते हैं ऊपर। ये देखिए यहाँ पे पानी भी है, कितना सुंदर दिख रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में आपको बताते हैं, मंदिर के बारे में। यहाँ पे भगवान का मूर्ति है, कोई आम मूर्ति नहीं है ये, बल्कि यह मूर्ति सिंगल पत्थर को तरसा के बनाई गई है। इस साइज़ के पत्थर को ढूंढने में 1.5 साल लग गए थे और मूर्ति बनने में 4 महीने लगे थे। और यह पत्थर राजस्थान में मिले थे फ्रेंड्स, और यह पत्थर के नाम मकराना करके है। और ये 105 फीट के राम मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान और उड़ीसा के कारीगरों को बुलाया गया था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 5 साल लग गए थे। इस मंदिर की खासियत यह है कि जो अंदर और बाहर दीवारों पर पत्थरों के पास भगवान विष्णु के कई कई अवतार बनाए गए हैं, और यहाँ राम और सीता भगवान की मूर्ति है। और मैंने सुना है कि मूर्ति को मरमर तराश कर जयपुर के कारीगरों ने बनाया गया था, और यह मंदिर में लगभग 500 लोग बैठ सकते हैं। तो पूजा हो रहा है करके पर्दा लगाया जा रहा है, यहाँ पे घंटी भी है देखिए। और ये पूरा गोल्ड से बनाया, पेंट किया गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा रियल है। और ये देखिए दूर से आप लोगों को दिखला देते हैं कितना खूबसूरत, यहाँ पे पिलर भी देखिए कितना, मतलब क्या कारीगरी की गई है पिलर पर भी, और पीछे भी देख लिए यहाँ पे छोटा सा हनुमान भगवान का मूर्ति भी है। पार्टी खत्म हो चुकी है, हम आ चुके हैं नीचे। देखिए यहाँ पे क्या, चलिए पास ले जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मस्त दिख रहा है, और यहाँ पे भगवान के मूर्ति बनाए गए हैं बहुत सारे, इतने अच्छे दिख रहे हैं लाइटिंग के साथ। दूर से आप लोग फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे यज्ञ होता है, और हम आ चुके हैं यहाँ पे। अगर आप लोग कुछ खाना चाहते हैं तो बाहर पे कुछ खा भी सकते हैं।